खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। आशा का वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। आशा का वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। आशा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बताइए क्यों नहीं मांग पूरी कर रही सरकार, काफी टाइम हो गया बैठे। वैसे कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या कहना है इसके? वैसे तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन हमारी बेटी बहने 71 दिन से रोड पर उतरी हुई है, लेकिन सरकार के कान तक जू तक नहीं रहेंगी है। जब तक ये सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी, तब तक हमारा धरना ऐसे ही चालू होगा, हमारा आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत होगा। और आज हमारा डेलीगेशन बुलाया गया है, अगर डेलीगेशन से सम्मानजनक बात हुई तो हमारी हड़ताल, हमारा धरना उठेगा, नहीं तो लगातार लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी सरकार के साथ। और सरकार को हम दिखा देंगे 2024 में, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम इसकी कुर्सी को हिला कर रहेंगे। और खट्टर सरकार को पता चल जाएगा कि दोबारा इस हरियाणा में इसको आने ही नहीं देंगे। तो गांवों में मंत्री और विधायकों को घुसने दिया जाएगा कैसे? गांव में मंत्री को विधायकों को किसी को भी नहीं घुसा दिया जाएगा। ये जन संवाद की बात कर रहे हैं, जन संवाद आशा वर्कर घर घर जाकर जन संवाद कर रही है। जब ये सरकार ये वोट मांगने आएंगे तो इनको जूते लगाकर गांव से निकाल दिया जाएगा, और सरकार गांव गांव तक जनता के सामने बता दिया जाएगा कि कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है, कितनी तानाशाही सरकार है। आज तक इसने 72 दिन हो गए बेटी बचाओ बेटी का नारा दे रखा है, लेकिन बेटियों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। दिवाली आने वाली के काली दिवाली मनाई जाएगी? काली अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी तो काली दिवाली मनाई जाएगी। हम इसी धरने पर अपनी दिवाली मनाएंगे और सरकार को दिखा के रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। पहले भी सरकार झुकी थी और अभी हम झुका के। आपका नाम? मेरा नाम संतोष है, नपुरा पीएचसी से। पढ़ाओ बढ़ावा डाला जाएगा कहाँ? 18 तारीख को हम 24 घंटे का महापड़ाव डालेंगे किशन विधायक की कोठी में। दिन रात का महापड़ाव चलेगा और उस महापड़ाव को से हम बता के रहेंगे विधायक को। जब वो कह रहा था मैं तुम्हारे साथ हुआ, आज तक उसने हमारी बात मंत्री जी को आगे तक नहीं पहुँचाई। आपका नाम? नाम बोल दिया। मेरा नाम संतोष, नपुरा पीएचसी।